हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, जितने भी जो भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी ये क्या है कि लेटेस्ट एक 2018 G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आगे आने वाली एक साल तक की जो भी एग्जाम होगी, आज के बाद में जब 2019 दिसंबर तक, मान लो आप 2019 दिसंबर तक जो भी एग्जाम होगी उसमें G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्यों? ये शिखर सम्मेलन होता है ये साल में, एक साल में एक बार होता है, और अभी ये लेटेस्ट 2018 में हो गया और दिसंबर में हुआ है, तो आगे आने वाली ये मतलब लगभग एक साल तक जो भी एग्जाम होंगी उनमें पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं हम G20 शिखर सम्मेलन है क्या। इसमें क्या है कि एशिया 1999 के अंदर एक आर्थिक संकट आया था। आर्थिक संकट का मतलब है जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लग गई थी। ठीक है, इतना ज्यादा वित्तीय संकट आया कि ये कुछ देश हैं उनका ग्रुप बना, और मतलब इसमें क्या हुआ कि इस ग्रुप में जितने भी देश हैं उनके बैंक के सेंट्रल बैंक होती है, जैसे भारत की बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक गवर्नर और उनके जो वित्त मंत्री होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और कौन होते हैं जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके गवर्नर, इन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। और इस ग्रुप बनाने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से क्या कदम उठाए जिससे ये जो फाइनेंशियल ये संकट आया था इसको दूर किया जा सकते। तो इसी के बेसिस पे G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। और अभी ये जो लेटेस्ट हुआ है शिखर सम्मेलन, ये हुआ है अर्जेंटीना के अंदर 2018 का हुआ है, और ये हुआ है 30 नवंबर और 1 दिसंबर, यानी दो दिन चला है, 30 नवंबर और 1। और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है 13वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। अब देखो 2008 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ, यानी फर्स्ट। 1999 में तो इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, और 1999 से तो ये कौन मिलते थे, ये लोग मिलते थे, यानी इनके जो गवर्नर हो गए वो मिलते थे। लेकिन 2008 से क्या हुआ कि इनके जो देश है, कंट्रीज है, इनके जो नेताज हैं यानी पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो भी मिलना स्टार्ट हो गए। और जो 2008 है इसके अंदर पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 के अंदर। ठीक है, बाकी आगे के शिखर सम्मेलन अब नेक्स्ट 2018 के अंदर, 2018 के अंदर 13वां शिखर सम्मेलन हुआ। तो 2008 के अंदर पहला हुआ, तो 2018 के अंदर 13वां कैसे हो गया, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि 2010 और 11 के अंदर क्या हुआ कि ये अर्धवार्षिक रूप से, यानी साल में दो दो बार ये इसका सम्मेलन हुआ था। साल में दो दो बार होने की वजह से 2018 में हुए कितने, 13वां नंबर का सम्मेलन। इसके बारे में हम और आगे की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी भी है, और ये अर्जेंटीना का शहर भी है ब्यूनस आयरस, वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ है। और ये रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि इंडिया भारत भी इस G20 ग्रुप का एक सदस्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें कह रहा है कि 2018 का जो G20 ब्यूनस आयरस सम्मेलन है, इसका दूसरा नाम भी है ब्यूनस आयरस सम्मेलन। क्यों? ये अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में हुआ था। G20 की 13वीं बैठक हुई। G20 का मतलब हो गया ग्रुप 20, ग्रुप 20 या हिंदी में बात करें तो समूह 20। ठीक है, यह 2018 में ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना शहर में आयोजित किया गया। दक्षिणी अमेरिका में यह आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन रहा। तो क्वेश्चन आ सकता है दक्षिण अमेरिका में पहला G20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो किया गया अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अर्जेंटीना, ये इसका मेन थीम वगैरह थे अर्जेंटीना G20 2018। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो G20 इसकी बात करें, मेजबान देश कौन सा था, अर्जेंटीना। दिनांक कब आयोजित किया गया, ये 30 नवंबर और 1 दिसंबर को, 30 नवंबर से 1 दिसंबर यानी दो दिन ये आयोजित किया गया। शहर किस शहर में आयोजित किया गया, क्वेश्चन आ सकता है ब्यूनस आयरस यानी अर्जेंटीना में। इसके कितने सदस्य हैं, इसके 20 सदस्य हैं। कौन? G20 यानी इसमें 19 तो कंट्रीज हैं और एक है इसका यूरोपीय यूनियन, एक यू संघ है। ठीक है, 19 तो देश है और एक है यूरोपीय यूनियन, इस तरीके से इसमें 20 सदस्य हो गए। और इसमें कुछ अतिथि यानी कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी आमंत्रित किया जाता है। तो इस बार जो कंट्रीज थी वो थी चिली, जमैका, नीदरलैंड, रवांडा, सिंगापुर, स्पेन। ठीक है, हम सभी के बारे में आगे चल के बात करेंगे, सभी की कैपिटल करेंसीज देखेंगे और G20 को किस तरीके से याद करना सबके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, इन्होंने इसका वो किया था, आगाज किया था। तो अर्जेंटीना की जो अध्यक्ष का है वो है मॉरिशियो मैक्री चेयर, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है कि 2017 का कहाँ हुआ था और 2019 का कहाँ होएगा। और देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, भारत को भी इसकी एक मेज़बानी करने का मौका मिला है और भारत कब मेज़बानी करेगा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो 2017 का हुआ था हैम्बर्ग में, कहाँ पर हुआ, हैम्बर्ग में। और जो 2019 का ये होगा ओसाका में, ओसाका मतलब ये जापान, जापान करेगा इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भारत करेगा, इंडिया करेगा 2022 की मेज़बानी। ठीक है, 2022 में ये इटली को मिलने वाली थी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि 2022 की इटली करने वाला था लेकिन भारत करेगा और भारत अपने इतिहास में पहली बार इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो भारत पहली बार कब करेगा, 2022 में, और ये किससे लिया है, इटली से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 20 वित्त मंत्री, वित्त मंत्री का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर, और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अरुण जेटली। सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, सेंट्रल बैंक का मतलब जैसे भारत की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर कौन हो गए, जैसे उर्जित पटेल हो गए। ठीक है, उर्जित पटेल हो गए। तो 20 वित्त मंत्री और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह है, G20 का समूह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स, वित्त मंत्री और गवर्नर्स का एक संगठन है। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या है, ग्रुप 20, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G20 की सदस्यता में 19 अलग अलग देश और यूरोपीय संघ शामिल है, और जो यूरोपीय यूनियन है, ईयू का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय, इसकी जो इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधित्व करेगा यूरोपीय आयोग करेगा, और एक करेगा यूरोपीय सेंट्रल बैंक, कौन करेगा, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब देखो इसकी नींव कैसे क्या पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। 1999 के अंदर G7 ग्रुप चल रहा था, और काम वहाँ चल रहा था, ये चल रहा कोलोन शिखर सम्मेलन में। 1999 में ग्रुप 7 का कोलोन शिखर सम्मेलन चल रहा था, उसी में G20 का वो नींव पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले औपचारिक रूप से, ध्यान देना, औपचारिक रूप से 26 सितंबर 1999 को बर्लिन में 15-16 दिसंबर 1999 को उद्घाटन बैठक के साथ G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इसके पहले अध्यक्ष पूछ ले कि G20 के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कनाडाई वित्त मंत्री पॉल मार्टिन को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कौन, कनाडाई वित्त मंत्री पॉल मार्टिन। इसकी नींव कब पड़ी, 1999 में, 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, और 2018 के अंदर इसका 13वीं समिट हुई है, 13वां सम्मेलन हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। G20 की वर्तमान कुर्सी अर्जेंटीना है। ठीक है, मतलब 2018 में किसने किया, अर्जेंटीना। ठीक है, 2017 आगे बात इसमें यही हो रही है, और जो 2017 की मेज़बानी की थी हैम्बर्ग, हैम्बर्ग एंड जर्मनी ने, और नेक्स्ट जो 19 की कर रहे हैं जापान कर रहा है। ठीक है, और जापान में कहाँ होगा, ये होगा ओसाका शिखर सम्मेलन के नाम से होगा, 2019 वाला जो होगा वो होगा ओसाका शिखर सम्मेलन। तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी बन सकता है, 17 का पूछ सकते हैं, 18 का पूछ सकते हैं, 19 का पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट 2022 का पूछ सकते हैं, जो कि भारत करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। G20 की शुरुआत 1999 में एशिया में आई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई। वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब बात करते हैं G20 के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं, उनको हमको किस तरीके से याद करना है, वो है। देखो इसको याद करने की एक ही ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। SSC हम जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बोलते हैं, FCI होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी भारत का है। ठीक है, यानी जो अपन खाद्य उसको बोलते हैं खाद्यान्न को। ठीक है, FCI। अब देखो इसकी ट्रिक्स है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। इस ट्रिक से हम देखो कितने कंट्रीज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पूरे 20 देश को हम याद कर लेंगे, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि उनकी कंट्रीज की कैपिटल्स क्या है, करेंसीज क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया अपना गुरुजी। ठीक है, आई का नेक्स्ट देखते हैं, गुरुजी में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। देखो जी का मतलब जर्मनी, यू का मतलब USA, आर का मतलब रशिया, यू का मतलब UK, और जे का मतलब जापान। ठीक है, ये कंट्रीज हो गई। इनकी क्या राजधानी है, हम देखेंगे जर्मनी की बर्लिन है, और उसकी जो करेंसीज है वो यूरो। जर्मनी बर्लिन यूरो। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC है, US डॉलर इसकी मुद्रा है। रशिया की मास्को इसकी राजधानी है, और रूबल इसकी मुद्रा है, रूबल, रशिया, मास्को, रूबल। यूनाइटेड किंगडम लंदन इसकी राजधानी है, और पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को 20 कंट्रीज के कैपिटल और करेंसीज याद हो जाएगी। ठीक है, जापान की होगी टोक्यो येन। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें देख लिया, जर्मनी बर्लिन यूरो, USA वाशिंगटन DC डॉलर, रशिया मास्को रूबल, UK लंदन पाउंड स्टर्लिंग, जापान टोक्यो येन।
ठीक है। जापान की इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी चाइना के साथ थोड़ी बहुत मैच खाती रहती है और चाइना और जापान के में हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि युआन है उसकी, ठीक है। युआन किसकी, चाइना की और जापान की येन, इसलिए हम थोड़ा इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, जी जी आई सीता, ये होगी सीता, इसका मतलब आई का मतलब इंडिया, न्यू दिल्ली इंडियन रूपी, साउथ अफ्रीका केपटाउन रैंड, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया, टर्की अंकारा टर्किस लीरा, इंपॉर्टेंट है टर्की वाला भी लीरा, इसका ऑप्शन में आता है लीरा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, ये अपनी टर्की वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। साउथ अफ्रीका वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी रैंड याद रखना आपको, ठीक है। साउथ अफ्रीका की रैंड, जापान की हमने देखी थी येन और चाइना की युआन, ठीक है। और चाइना की एक और है रेनमिनबी, दो है चाइना की, ठीक है, दो मुद्रा चलती है। ऑस्ट्रेलिया डॉलर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की एसीएम है डॉलर। आगे बात करते हैं। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरस और पेसो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी ये अर्जेंटीना में हुआ है 2018 का, ठीक है। तो वहाँ के प्रेजिडेंट का भी अपने को पता होना चाहिए और वहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसीज क्या है, ठीक है। पेसो वहाँ की करेंसीज है। ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया रियाल, सऊदी अरब रियाद और सऊदी रियाल, साउथ कोरिया सियोल वॉन, इंपॉर्टेंट पड़ता है ये भी, साउथ कोरिया सियोल वॉन, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा, ओटावा और कनाडियन डॉलर, ठीक है। इसकी ये कैपिटल इंपॉर्टेंट बनती है कनाडा की, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साउथ कोरिया की सियोल, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरस पेसो, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया रियाल, सऊदी अरब रियाद सऊदी रियाल, साउथ कोरिया सियोल वॉन, कनाडा ओटावा कनाडियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। एफसीआई में जॉब करती है, एफसीआई में, ठीक है। एफ का मतलब फ्रांस, सी का मतलब चाइना, आई का मतलब इटली, एम का मतलब मैक्सिको, ई का मतलब यूरोपीय यूनियन। क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल्स बेल्जियम, ठीक है, ब्रसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। अब देखो इसकी फ्रांस की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो, चाइना बीजिंग युआन और रेंग मिंबी भी है इसकी, ध्यान देना रेंग मिंबी, और येन किसकी थी, येन थी जापान की, युआन किसकी है, चाइना की, इटली की क्या है, रोम और यूरो, इटली रोम यूरो, मैक्सिको मैक्सिको सिटी और पेसो, यूरोपीय यूनियन की क्या है, यूरो, यूरोपीय यूनियन में जितनी भी कंट्री जाती है लाइक फ्रांस हो गई, इटली हो गई, या यूरोपीय यूनियन से संबंधित इन सब की क्या है, यूरो, ठीक है। और लंदन आता है उसकी क्या आई थी हमने, यूके की, यूके की क्या आई थी, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अब देखो इसके अंदर G20 के अंदर कुछ कंट्रीज तो हो गई, इसके साथ ही साथ में कुछ संगठन होते हैं, कुछ जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो वो संगठन भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और नेसेसरी है कि वो भी इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, अनिवार्य रूप से। वो कौन कौन से हैं, वो है वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र UN, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO, ये भी इसमें हिस्सा लेते हैं। आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल से देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF हो गया, इसके अभी चीफ कौन है, चीफ बोले तो CEO मान लो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IMF के अभी है क्रिस्टिना लेगार्डे, कौन है, क्रिस्टिना लेगार्डे, हेडक्वार्टर क्या है, वाशिंगटन DC, अमेरिका में है वाशिंगटन DC किसका, देखो इसमें मनी आ गया, मनी का मतलब पैसों से संबंधित है, और जहाँ पैसों से संबंधित है उसको हम लेंगे वाशिंगटन DC में, ये मनी है, और वर्ल्ड बैंक में आता है मनी, इसमें वर्ल्ड बैंक है यानी बैंक एंड पैसों से संबंधित, इसका भी वाशिंगटन DC, तो इन दोनों को हम इस तरीके से याद कर लेंगे। IMF के चीफ है क्रिस्टिना लेगार्डे, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क सिटी में, वर्ल्ड बैंक के जिम योंग किम हो गए, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रोबर्टो अजिवेदो है इसके, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पूछा जाएगा एग्जाम में, कौन है, रोबर्टो अजिविदो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, और जहाँ पर भी लास्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है उसके लगभग लगभग मोस्टली आप जेनेवा में इसमें टिक मार के आ जाना। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन यूनियन, इसके चीफ कौन है, पॉल कागमे, और इसका हेडक्वार्टर इथियोपिया के अंदर है एडिस अबाबा, ठीक है, इथियोपिया की राजधानी भी है एडिस अबाबा। जो एपेक है, एपेक का मतलब हो गया फुलपुरम भी, देखो आपको यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एपेक की फुलपुरम भी आपको पता चल जाएगी, यहाँ से एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसके चीफ कौन है, ये हो गए पीटर ओनेल। बात करते हैं हम इसके FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, मार्क
कार्ने, और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड एंड बेसेल। ठीक है, अब देखो इसमें भी देखो ऑर्गेनाइजेशन है लास्ट में, मैंने कहा था ना जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उसको मोस्टली क्या कर देना, आप जेनेवा में कर देना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, वो क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके चीफ कौन है, गाई राइडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ गेस्ट इन्वाइटीज थे, यानी कुछ कंट्रीज थे जो एज ए गेस्ट के रूप में आमंत्रित थी, वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो G20 के सदस्य नहीं है लेकिन गेस्ट के रूप में इस 2018 में आमंत्रित किया गया था, यानी इनको 2018 में ही आमंत्रित किया था। चिली, जमैका, नीदरलैंड, रवांडा, सिंगापुर और स्पेन, ये 7 कंट्रीज हैं, 3 और 3 6, ये 6 कंट्रीज हैं, इनको आमंत्रित किया गया था। तो इनकी हम ये देख लेते हैं, चिली की राजधानी है सेंटियागो और इसकी जो करेंसी है वो पेसो, चिली सेंटियागो पेसो, जमैका किंगस्टन, राजधानी किंगस्टन और जमैकन डॉलर, नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो, रवांडा किगाली रवांडम फ्रैंक, सिंगापुर 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 डॉलर और स्पेन मैड्रिड यूरो। ये इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको मतलब इस तरीके की कंट्रीज़ के आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ जहाँ पे भी है आप अच्छे से देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ पे ले लीजिए आप, यहाँ पे भी ले लीजिएगा। कंट्री कैपिटल करेंसीज आपको आराम से इस यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 20 और 6 26 27 आपको यहाँ से कंट्रीज मिल गई, सभी के कैपिटल और करेंसीज ले लेना। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।